हेलो एनिमल लवर्स, वेलकम बैक टू माय एनिमल प्लेटफॉर्म। आज मैं आपके लिए आई हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड 1। स्टोरी की शुरुआत में ही हमें नारुतो दिखाया जाता है जो गुफा टाइप जगह में यहाँ वहाँ सास्के को ढूंढने आया होता है। उसके साथ सकुरा भी आई होती है, दोनों सास्के को ढूंढ रहे होते हैं और सास्के दोनों चिल्ला रहे होते हैं। और फिर वहाँ पे अचानक से ही ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने से पूरी जगह जो गुफा टाइप है वो ऐसे हिलने लगती है। सकुरा जो है वो डर लगती है और फिर वो लोग बाहर निकलने लगते हैं जो खुली जगह वहाँ पे होती है। वहाँ पे तो वो लोग साइड नाम का जो न्यू कैरेक्टर की एंट्री हुई होती है उसके पास जाने लगते हैं। सकुरा वहाँ पे पहुँच जाती है और वो कुछ देखते ही ऐसे देखने लगती हैं। फिर नारुतो भी वहाँ जाने लगता है और फिर वह वहाँ पे जाके पहुँच के ही देखता है कि वहाँ उन लोगों के सामने सास्के होता है। उन लोगों ने सास्के से बहुत साल बाद देखा होता है। सास्के को उन लोगों को देखने लगता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने देखते हैं। तो नारुतो को अपना बचपन याद आता है याद, और सास्के कहता है कि तुम्हें क्या पता फैमिली क्या है, तुम्हारी फैमिली क्या है। तो नारुतो कहता है हाँ मुझे बताया कि फैमिली के बारे में मुझे नहीं पता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं, पर हाँ जब से मुझे तुम जैसा दोस्त मिला है तब से मुझे पता है कि फैमिली कैसे हैं, दोस्त कैसे हैं, ये सब मुझे आज पता चल गया है। इसलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसीलिए हम लोग तुम्हें ढूंढने यहाँ पे आए हैं और हम तुम्हें अपने साथ ही लेके जाने वाले हैं, ठीक है सास्के। ऐसे करके सास्के को बोलते तो सास्के कहता है मुझे मेरे भाई से जो अपने पूरे क्लाइंट को बर्बाद कर दिया था वो मुझे पावर नहीं चाहिए, मुझे ऐसे तरीके से कोई गलत पावर नहीं चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ वो अपने लिए कर रहा हूँ। और फिर वो नारुतो के पास आता है और नारुतो को कहता है कि होकागे बनना था होकागे नहीं बने। ऐसे करके उसके पीछे से जो तलवार है वो नारुतो को मारने लगता है। नारुतो कहता है कि होकागे कैसे बन सकता हूँ, जब मैं अपने दोस्त को ही बचाना सकूँ तो मैं किस काम का होकागे बन सकता हूँ, ऐसे बोलने लगता है। और सास्के जो है तलवार से नारुतो को मारने की कोशिश करने लगता है। तो नारुतो ऐसा देखने लगता है। तभी सीन चेंज होता है और यहाँ पे हमें जो एक दरवाज़ा बड़ा गेट करके दिखाई दे रहा होता है और नारुतो वहाँ बाहर खड़ा होता है और बबल्स छोटे छोटे ऑरेंज बनने लगते हैं और फिर नाइनटेल फॉक्स बनने लगता है। और ये जो नाइनटेल फॉक्स होता है वो नारुतो के अंदर सील होता है, वो हमें दिखता है। और नाइनटेल फॉक्स नारुतो से बात करने लगता है और नाइनटेल फॉक्स को नारुतो जैसे ही छूने जाता है तभी वहाँ पे सास्के आ जाता है, कहता है कि अभी मुझे पता चला कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर आती कहाँ से है, और उसे टच करके नाइनटेल फॉक्स को पूरा भी कर देता है। फिर यहाँ पे हमें स्टोरी जो है प्रेजेंट में आ जाती है। हमें कुछ बच्चे दिखाई जाते हैं जो मॉन्स्टर को पकड़ने जाते हैं और फिर यहाँ पे हमारे नूडल शॉप वाले अंकल होते हैं, उनके सारे नूडल्स जमीन पे गिर जाते हैं और फिर वो जोर से चिल्लाते हैं कि नारुतो। फिर उन्हें याद आता है ये तो कोना आमरू बिल्कुल जो नारुतो की तरह दिखता है, और कोना आमरू हंस के यहाँ से चला जाता है। फिर कोना आमरू और उसके फ्रेंड भी अभी जो है गैनिट बन चुके हैं और लोगों को मिशन मिला होता है बिल्ली को पकड़ने का, और उन लोगों ने अपने मिशन कर दिया होता है। तो उन लोगों का एली तिंजा है कोना आमरू का, वही अभी उन लोगों का सेंसर बन चुका है। लेडी है उन्हें थैंक यू कहकर चली जाती है। तो यहाँ कोना आमरू का सेंसर यहाँ उसे कहते हैं कि तुम्हें भी छोटे मिशन पर तो जाना ही पड़ेगा लेडी होकागे, और हीरो का सेंसर भी उसे वही कहते हैं। तो कोना आमरू कहता है कि एक दिन मैं 7 होकागे बन के ही रहूँगा। तो लेडी सुनाड़े कहती है क्यों 7-6 क्यों नहीं, तो ये कहता है कोना आमरू क्योंकि वो तो मेरे नारुतो भाई के लिए पहले से ही जगह रिजर्व है। ये सुन के सब लोगों नारुतो की बात याद करने लगते हैं और फिर लेडी सुनाड़े कहते हैं कि नारुतो को गए काफ़ी वक्त हो गया, वो अभी लौटने वाला होता है। और हीरो का सेंसर को भी नारुतो का बचपन का जो मोमेंट है वो याद आने लगता है, वो स्माइल करने लगते हैं। मास्टर जीरा और नारुतो गाँव की तरफ आते हैं और वो लोग गाँव में जैसे ही आते हैं जहाँ पे वो गेट निंजा होते हैं वो नारुतो को पहचान लेते हैं। और यहाँ पे कोना आमरू उसके फ्रेंड सकुरा के पास जाते हैं और सकुरा को कहते हैं कि तुम कहाँ पे जा रही हो, तो सकुरा कहती है कि मुझे गेट पे कुछ काम है इसलिए मैं वहाँ पे जा रही हूँ। और नारुतो लोग यहाँ गाँव में आ रहे होते हैं और सकुरा और कोना आमरू लोग वो गाँव के गेट के पास जा रहे होते हैं। गेट के पास पहुंचने के बाद सकुरा लोग को पता चलता है कि आपका कोई इंतजार कर रहा है मार्केट में। तो सकुरा को लगता है शायद नारुतो, और नारुतो यहाँ जो है बिजली के खंभे पर चढ़ के देखने लगता है। जिराया ये देख के खुश होने लगते हैं और फिर वो चढ़ के कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ दोस्तों, मैं बहुत ही खुश हूँ। और वो गांव की ओर देखने लगता है और वो खुश होकर कहता है कि अरे ये तो लेडी सुनाड़ी की भी उन लोगों ने स्टैचू बना दी है। और वो देखता है ये तो नीचे से सकुरा और कोना आमरू आ गए, तो फिर उन लोगों के पास वो नीचे आता है और सकुरा भी नारुतो को देखती है कि नारुतो काफ़ी बदल गया है और नारुतो को कहती है। तो नारुतो हंसने लगता है और सकुरा कहती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, मैं भी बदल गई हूँ। तो सकुरा को नारुतो कहता है कि नहीं तुम तो अभी की वैसी वैसी हो। तो सकुरा ऐसे करने लगती है। मास्टर जिराए कहते हैं कि इसे तो पता भी नहीं है कि लड़की उसे कैसी तरह से बात करते हैं। और नारुतो कहता है कि मैंने कुछ गलत किया। यहाँ कोना आमरू नारुतो को आवाज़ देखिए क्यूट जस्तु करता है। तो जिराया की आंखें बाहर निकल जाती हैं और वो देखने लगते हैं। सकुरा की आंखें ऐसे हो जाती है, वो एकदम वियर्ड मूव कर लेती हैं। और फिर यहाँ पे है जो नारुतो सीरियस हो जाता है और एकदम सीरियस वे में कहता है कि कोना आमरू अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें ऐसी सब बातें अभी अच्छी नहीं लगती, तुम्हें अभी ऐसा कुछ अच्छा नहीं करना चाहिए। तो सकुरा सोचती लगती है कि नारुतो सिर्फ बाहर से ही नहीं वो अंदर से भी बहुत बदल गया है। नारुतो जो पहले था अभी वो पहले जैसा नहीं है, बल्कि वो तो अभी बहुत ही सुधर गया है। मुझे अच्छा लगा कि नारुतो ऐसे हो गया है, वैसे सोचने की लगती है। तो नारुतो कहता है कि है तुमने इतने साल में सिर्फ ऐसा ही क्यों जुस्सू करा, देखो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कैसा जुस्सू करना है। और ऐसे सुन के जब वो करने जाता है तो सकुरा एक पंच मार देती है और जिराया कहते हैं कि बिल्कुल यही सुनाड़े ने सकुरा को अपनी तरह ही बनाया है। और सकुरा यार धमकी देती है कि तुमने अगली बार ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। और फिर वो लोग लेडी सुनाड़े के पास जाते हैं, सकुरा और जिराया मास्टर और नारुतो। और यहाँ लेडी सुनाड़े कहती है कि तुमने चलो बहुत साल से ट्रेनिंग करी है, अभी मैं तुम्हारा टेस्ट लेने वाली हूँ और तुम्हें अपने टेस्ट में पूरा उतरना है। और सकुरा को भी कहते हैं कि तुम्हें भी इसके साथ टेस्ट लेना होगा। तो सकुरा कहती है मुझे भी, तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें सिखाया है तो तुम्हें भी अभी टेस्ट लेना होगा और तुम लोगों को साथ में अभी जो है टेस्ट लेना पड़ेगा। ये
सुन के दोनों कहते हैं कि चलो ठीक है, और लेडी सुनारी कहते हैं कि हाँ अभी तुम्हारा जो सामने राइवल है वो भी आने वाला होता है। इसी तरह जो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और दरवाज़ा ओपन होने वाला होता है तो नारुतो और बाकी सब भी देखने लगते हैं दरवाज़ा खुलने के बाहर कौन है, कि उन लोगों का जो राइवल है वो कौन है। और इसी की तरह हमारी जो ये पार्ट की वन है इसकी एंडिंग होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में भी बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू।